2 अक्टूबर 1904 देश के बहुत प्यारे लाल यानी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस। गांधीवादी मूल्यों और देशभक्ति के वातावरण में पले बढ़े शास्त्री जी मात्र 17 वर्ष की आयु में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल से नाम कटाकर 1925 में काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने वाले लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि अपनी मेहनत से अर्जित की, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। 1928 में गांधी जी के आह्वान पर कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने शास्त्री जी ने आजादी की लड़ाई में 7.5 साल जेल में बिताए। 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की तो हाल ही में जेल से बाहर आए शास्त्री जी का ठिकाना बना पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर आनंद भवन। जब देश आजाद हो गया तो शास्त्री जी यूपी के परिवहन मंत्री बने और महिला कंडक्टरों की नियुक्ति का क्रांतिकारी कदम उठाया। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और 1952 में वो देश के रेल मंत्री बने, जिन्होंने आगे चलकर एक रेल दुर्घटना के चलते इस्तीफा देकर मानवता की मिसाल पेश की, जिसे नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया। 1959 में वाणिज्य मंत्री और 1961 में गृह मंत्री रहे शास्त्री के सामने 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के साथ ही चुनौती ने दस्तक दे दी। मगर भारत का ये लाल चुनौती से घबराया नहीं और 11 जून 1964 को ही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में ये कहते हुए शास्त्री जी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि हमारा रास्ता सीधा और स्पष्ट है, सभी के लिए स्वतंत्रता और समृद्धि के साथ एक समाजवादी लोकतंत्र का निर्माण और सभी देशों के साथ दोस्ती के जरिए विश्व शांति की कामना। नेहरू जी की आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाते हुए शास्त्री जी ने श्वेत क्रांति के जरिए तो मानो भारत वर्ष में दूध की नदियां बहा दी। अमूल डेयरी उसी श्वेत क्रांति की देन है। यही नहीं, जब खाद्यान्न संकट आया तो शास्त्री जी ने देश से सप्ताह में एक वक्त का भोजन त्यागने की अपील की और इसकी शुरुआत खुद से की। देश के कई कोनों में जनता ने इस शास्त्री व्रत का पालन किया। जब पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ी तो सेना ने शास्त्री जी के नेतृत्व में न केवल पाकिस्तान को धूल चटाई बल्कि इस दौरान उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा भी जन जन की जुबान पर चढ़ गया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। FCI हरित क्रांति को प्रोत्साहित करने वाले शास्त्री जी की ही देन है, जिसको आज की सरकार अप्रासंगिक करने पर तुली हुई है। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर हम ये संकल्प लें कि न देश के जवान को कमजोर पड़ने देंगे और न ही देश के किसान को। यही शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद।